like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हमारा झंडा इसलिए नहीं फहरा था क्योंकि हवा चलती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पेरा क्षेत्र में स्थित इस प्रांत पर निगरानी रखती एक पोस्ट सरागढ़ी। सरागढ़ी ब्रिटिश सेना के दो बेहद मजबूत गढ़ फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के बीच संदेश पहुंचाने का काम करती थी। यहां से संदेश हीलियोग्राफ के जरिए प्रसारित किए जाते थे, यानी सूरज की रोशनी में शीशे को चमकाकर मोर्स कोड में संदेश भेजे जाते थे। अंग्रेजों से लड़ रहा अफगानिस्तान कबीला सरागढ़ी पर कब्जा कर आगे बढ़ने की फिराक में था। सरागढ़ी की हिफाजत में यहां तैनात थे 21 सिपाही। हवलदार ईशर सिंह इस पोस्ट की कमान संभाले हुए थे। सितंबर 12 उन्होंने अफगानों की इतनी बड़ी फौज को आते देखा जो उनकी दूरबीन के दायरे से भी ज्यादा बड़ी थी। कई लोग कहते हैं कि यह फौज 10,000 से ऊपर थी। उन्होंने तुरंत फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट को सूचना दी, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मदद भेजना बेमतलब समझा गया। अगर उस रोज ये 21 सैनिक पोस्ट छोड़कर पीछे हट भी जाते तो इतिहास उन्हें कटघरे में नहीं खड़ा करता, लेकिन इन्होंने यहां डटे रहने का फैसला लिया। ये फैसला उन सभी का अपना था, बिना किसी शक संदेह या सवाल के। और फिर इन 21 सैनिकों ने जिस तरह सैलाब का मुकाबला किया वो इतिहास का एक ऐसा मुकाम है कि विश्व भर में उस बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। वो सारे शहीद होंगे ये उन्हें पता था, लेकिन जिस सरफरोशी से उन्होंने शहादत का रास्ता अपनाया, आखिरी दम तक अपना फर्ज निभाया, अपना और अपनी रेजिमेंट का नाम रोशन किया, वो जुनून आज 200 साल बाद भी उनके रेजिमेंट के सैनिकों का खून गर्म रखता है। ये 21 सैनिक जिन्होंने अनगिनत दुश्मनों की कमर तोड़ दी, जिन्होंने फोर्ट गुलिस्तान और लॉकहार्ट में तैनात अपने साथियों को समय दिया तैयारी का, और इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक पर सुनहरे अक्षरों में अपना और अपनी रेजिमेंट का नाम दाखिल किया। ये थे पंजाब की मिट्टी के शेर सैनिक सिख रेजिमेंट के। सरागढ़ी की लड़ाई यूनेस्को द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे कठिन लड़ाइयों की फेहरिस्त में शामिल है, साथ ही ये जानी जाती है एकजुटता की मिसाल के तौर पर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन सैनिकों को अपने सदन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उस समय का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सभी 21 सैनिकों को दिया गया। सिख्स का जो नेचर है वो बहुत दिलेर होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और कभी भी हार बुरी परिस्थितियों में हार नहीं मानते।
सिख ट्रूप्स होते हैं वो बहुत जोशीले, बहुत ही खुश मिजाज और बहुत बहादुर होते हैं। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कभी भी मोरल डाउन फील होगा या फिर कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। शायद एक्चुअल में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो लेकिन उसके चेहरे पे नजर नहीं आएगी। और वैसे ही जब उसको कोई टास्क दिया जाता है तो वो टास्क को उतने ही जोश और उतने ही चैलेंज के साथ लेते हैं। कोई भी ऐसा टास्क नहीं है कि जो सिख ट्रूप्स ना पूरा कर सके। 18वीं सदी में अफगानों के खिलाफ खालसा पंथ या कहें खालसा आर्मी शेरे पंजाब कहलाने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खड़ी की। अपने वर्चस्व और अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए सिखों ने तलवार उठाई। इन लड़ाइयों के दौरान ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये जो खालसा आर्मी है एक महाराजा रणजीत सिंह के कद के नेता के बराबर के नेता के अभाव के बावजूद इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ रही है, तो इससे लड़ने की बजाय बेहतर ये होगा कि इनको अपनी सेना में शामिल कर लें। और इस तरह 1 अगस्त 1846 को सिख रेजिमेंट का गठन हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे काबिल लोकल रेजिमेंट बनी। सबसे पहले 2 यूनिट्स खड़ी की गई, फिरोजपुर से 14 फिरोजपुर सिख, जो आगे जाके कहलाई फर्स्ट सिख, और फिर लुधियाना से दूसरी सिख यूनिट जो कि आगे जाकर कहलाई टू सिख। 1922 में इंडियन आर्मी को उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। इस टाइम पे इन्होंने दोनों ब्रिगेड जो थी सिख रेजिमेंट की उनको मिला के 11 सिख रेजिमेंट बनाई। उस टाइम पे इन्होंने जो 35 सिख थी उसको ट्रेनिंग बटालियन का दर्जा दिया और उस टाइम से सिख रेजिमेंटल सेंटर का इतिहास शुरू हुआ। तो जहां जहां पे भी अंग्रेजों को सफलता नहीं मिल रही थी या उनको फतेह नहीं मिल रही थी वहां पे उन्होंने सिख रेजिमेंट को यूज किया और वहां पे उनको फतेह मिलती चली गई। तो इसीलिए शायद हर जगह पे ब्रिटिशर्स को लगता था वो सबसे ज्यादा सिख सोल्जर्स पे रिलाई करते थे। सिखों की कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी के कायल अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा सिखों की ही भर्ती की अपनी फौज में। उस वक्त सिख भारतीय आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा थे लेकिन ब्रिटिश आर्मी का लगभग 20%। सिखों की इन रेजिमेंट्स ने अपनी सरहदों को पार कर गैर मुल्कों की सरहदों को भी महफूज रखा। पहले विश्व युद्ध में इनका नाम पड़ा ब्लैक लाइंस। सिखों ने इस युद्ध में बंदूकों के साथ साथ अपने पारंपरिक हथियारों जैसे चक्र और तलवार का भी इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि इन दोनों ही विश्व युद्ध के दौरान सिखों की सेना के साथ गुरु ग्रंथ साहिब भी मैदान जंग में ले जाई जाती थी और ये एक बड़ी आम बात थी। और दूसरे विश्व युद्ध में ये सैनिक लड़े बर्मा, मलेया और इटली में। इन्हीं सिखों में से एक थे विक्टोरिया क्रॉस और महावीर चक्र पाने वाले जमादार नंद सिंह। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाओं द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जमादार नंद सिंह ने अपनी बहादुरी का परिचय पहली विश्व युद्ध में और फिर 1947 में भारत पाकिस्तान की आजादी के तुरंत बाद हुई लड़ाई में दिया। उन्हें याद किया जाता है 1944 में बर्मा में जापान के खिलाफ हुई लड़ाई के लिए, जब उन्होंने कटीली सीधी खड़ी पहाड़ियों को चढ़ दुश्मन पर वार किया और अपनी प्लाटून का नेतृत्व किया। हैवी मशीन गन और राइफल फायरिंग के बीच उन्होंने अकेले अपनी प्लाटून से आगे बढ़ 3 खाइयों को रेंगते हुए पार किया और पोस्ट पर कब्जा किया। उनके ऐसे करने से उनकी प्लाटून का आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ और उन्होंने मिशन पूरा किया। और यह पूरा ऑपरेशन दुश्मन पर गोलियां और बेनेट पर वार करते करते और फिर 1947 में कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान से आ रहे आतंकी कबीलियों से उनकी यूनिट भिड़ी, जिसमें दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाकर आक्रमण करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जा तो किया लेकिन अंधाधुंध फायरिंग का शिकार हुए। विक्टोरिया क्रॉस से पहले सम्मानित हुए जमादार नंद सिंह मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। The old colors of the famed Sikh regiment are trooped out at a ceremony in Meerut. From the hands of the President of India, the regiment receives its new colors. ब्रिटिश राज में बनाई गई ये रेजिमेंट आजादी के बाद
दो से बढ़कर आज 20 रेगुलर इन्फेंट्री बटालियंस, 3 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन और 3 राष्ट्रीय राइफल में तब्दील हो गए। आज भी इंडियन आर्मी में हर फॉर्मेशन कमांडर ये चाहता है कि मेरे नीचे एक सिख रेजिमेंट की बटालियन हो तो उसका बात बने जाए, चाहे वो जेएनके की एलसी पे, चाहे वो जेएनके की वैली में, चाहे वो अरुणाचल की पहाड़ियों में, चाहे वो नागालैंड और मणिपुर की इंसर्जेंसी हो, चाहे डोकलाम में जहाँ चाइनीज के अगेंस्ट अभी रिसेंटली जो हमारी हुई थी, आप हमेशा जा पाएंगे कि एक सिख रेजिमेंट वहाँ पे होती है और उनको कमांडर्स हमेशा अपना पहला हथियार मानते हैं। आज सिख रेजिमेंट में सैनिकों का चुनाव पंजाब और उसके आसपास के राज्यों के कुछ चुनिंदा शहरों से भी होता है, जबकि ऑफिसर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से देश भर से आते हैं। सिख रेजिमेंट के जो लड़के हैं वो जट सिख होते हैं और ज्यादातर ये लोग पंजाब, जम्मू और हिमाचल और यूपी के तराई रीजन से होते हैं, जहां से हमेशा इंडिया में जो इन्वेडर्स आए हैं वो इसी थ्रू आए हैं, तो उनकी ये आदत में, लड़ाई उनकी आदत में शामिल है। तो जहां जाट सिखों को शौर्य और साहस विरासत में मिले, तो शास्त्रों का ज्ञान प्राचीन शास्त्र विद्या गटका से। ਗੱਤਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ। ਗੱਤਕਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਡ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਗੜਾ। ਗੜਾ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲਕੜੀ। तो प्राचीन काल में रूरल एरियाज में लोग लकड़ी के साथ में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बिकॉज ऑफ सम रीजंस उस पर काफ़ी बैन लग गया था, लेकिन धीरे धीरे खालसा पंथ ने इसको अपने अंदर इन्वाइव किया और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। समवेयर अराउंड 19th सेंचुरी ये गतका जो था वो लकड़ी के साथ में तलवारबाजी और बाकी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो गई। गतका में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है रिचुअल रीति के हिसाब से और दूसरा होता है खेल। हम यहाँ पे इसको खेल के भावना के तौर पे प्रमोट करते हैं। एक रिक्रूट जो यहाँ पे आता है उसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इसकी नहीं दी जाती है, बल्कि हमारे यहाँ पे क्लब्स चलते हैं एवरी वेडनेसडे, तो क्लब के तौर पर हमने एक गतका क्लब का ओपन किया हुआ है जिसमें प्रैक्टिस होती है। रिक्रूट्स उसको ज्वाइन करते हैं और उनको बेसिक गतके की प्रैक्टिस यहाँ पे दी जाती है। जहां एक ओर सिख रेजिमेंट की नींव उनके वीरों की कहानियों और शास्त्रों में लिखे शास्त्र ज्ञान पर टिकी है, तो वहीं दूसरी ओर यह भारतीय सेना की सबसे अनुभवी रेजिमेंट्स में से एक है। सीमा पर घुसपैठ, एलओसी पर निगरानी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में सिख रेजिमेंट सबसे आगे है और 1947 से भारत की ढाल बने खड़े हैं। परमवीर चक्र भारत का वो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जो कि मैदाने जंग में दिखाए गए साहस, वीरता और बलिदान को सम्मानित करता है। और सिख रेजिमेंट के पास तो दो दो परमवीर चक्र हैं। ऑनररी कैप्टन करम सिंह और सुबेदार जोगिंदर सिंह की कहानियां हर फौजी को सुनाई जाती है। 1947 आजादी और पार्टीशन के बाद भी लगातार पाकिस्तान कश्मीर पाने के लिए भारत में घुसपैठ कर रहा था। कश्मीर में मौजूद टिथवा
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का आखिरी गांव है। तितवाल में घुसना मतलब कश्मीर में अंदर तक पहुंचना आसान। 1948 में ईद के दिन पाकिस्तान ने तितवाल में मौजूद रिचमार गली पर हमला किया। उस समय रिचमार गली में अपनी टुकड़ी के साथ लांसनायक करम सिंह तैनात थे। इस लड़ाई के दौरान वेव्स में अटैक किया गया था दुश्मनों के द्वारा, एंड जो पहली बराज आई थी आर्टी फायर की वो इतनी एक्यूरेट थी कि सारे बंकर्स नेस्तनाबूद हो गए थे। कम्युनिकेशन ट्रेंच जो हम खुदाई करके एक ट्रेंच बनाते हैं बंकरों के बीच में, वो भी डैमेज हो गए थे। तो पहले फेज में तो लांसनायक करम सिंह ने जितने भी लोग इंजर्ड थे उनको फर्स्ट एड दिया, उनको सुरक्षित जगह पे ले गए, उनका देख रेख किया। बट जब वेव्स ऑफ अटैक बढ़ने लगे, खास करके फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ वेव में, देन ही फॉट वेल। उस दिन दुश्मनी सेना ने 8 बार आक्रामक हमला किया और एक समय ऐसा आया जब भारतीय प्लाटून पर वो हावी भी होने लगी। लेकिन तभी घायल ऑनरी कैप्टन करम सिंह ने अपने कुछ और सैनिकों के साथ दुश्मन पर काउंटर अटैक किया और सामने से वार करते हुए एक एक कर उन्हें मार गिराया। इस जीत को ना सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है बल्कि इसलिए भी कि कैसे उन्होंने अपने साथियों के मनोबल को टूटने बिखरने नहीं दिया। उनकी इस वीरता को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और मैं बताना चाहता हूं कि वो फर्स्ट लिविंग परमवीर रिसिपिएंट थी। एक खास बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, जब ये लड़ाई समाप्त हुई तो 5 योद्धाओं को चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके द्वारा कि ये ध्वजारोहण करेंगे जब ध्वजा फहराया जाएगा लाल किले पर। तो उन 5 लोगों में लांसनायक करम सिंह भी एक थे जिनका चयन किया गया, जो कि हमारी रेजिमेंट के लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। 1947 में ही एक और बहादुरी की मिसाल कायम की सिख रेजिमेंट ने, जब उन्होंने भारत की सीमा से बाहर खड़ेड़ा पाकिस्तान की सेना का समर्थन पा रहे आतंकी कबीलियों को। ये जंग फर्स्ट कश्मीर वॉर के नाम से भी जानी जाती है। फर्स्ट सिख बटालियन को एयरलिफ्ट कर कश्मीर के हवाई अड्डे पहुंचाया गया, जहां उन्होंने न सिर्फ सुरक्षित किया इस एयरपोर्ट को बल्कि दुश्मन पर भी आक्रामक रुख अपनाकर उसे पीछे हटाया। ये दिन आज भी 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। साहस और शौर्य की मिसाल सिखों की सेना 170 सालों से हिंदुस्तान की वफादार रही है और 1962 में बहादुरी की मिसाल कायम की सूबेदार जोगिंदर सिंह ने। 1962 भारत और चीन के रिश्तों में गहरी दरार थी, जो आए दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश में जुड़े बॉर्डर को लेकर और तिब्बत के मसले पर, जब बौद्धों के परम गुरु दलाई लामा को भारत में शरण मिली। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत बॉर्डर पर पोस्ट खड़ी करने का ऐलान किया, जिससे तिल मिलाकर चीन ने भारत पर हमला किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने चीनियों के आने से पहले ही कड़कड़ाती सर्दी में भी इस इलाके का पूरा जायजा लेकर सटीक पॉइंट्स पर अपने बंकर्स बना लिए थे, जिसका फायदा उन्हें मिला। चीनी फौज ने इस बटालियन पर 3 बार हमला किया और हर बार यहां दुश्मन सैनिकों की संख्या इनसे कई गुना ज्यादा थी। पहले 2 हमले भारतीय सैनिकों ने संभाल ली, लेकिन तीसरे हमले तक उनकी बटालियन आधी हो चुकी थी। एक प्लाटून जो तकरीबन 20 और 30 के बीच में लड़के थे उन पे हमला कर रहे थे और उनका सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके लड़कों ने बहुत ही बेहतरी से उनके सारे हमलों को विफल कर दिया।
तीसरे हमले तक पहुंचते पहुंचते सूबेदार जोगिंदर सिंह काफी घायल हो चुके थे, लेकिन उन्हें वापस लौटना मंजूर नहीं था। जब तक बंदूक में गोली थी वो आगे बरसते रहे। राइफल की गोलियां खत्म होने पर अब वो और उनके साथी अपने बेनेट से ही दुश्मन को रास्ते से हटाते रहे। देखिए, कोई भी लड़ाई होती है उसमें पहले यही होता है कि पहले आप अपने एरिया वेपन से फायर करते हैं, उसके बाद आप अपने स्मॉल आर्म वेपन से फायर करते हैं। गुत्थम गुत्था की लड़ाई की नौबत कभी कभी जरूर आती है। वैसा ही हमें देखने को मिला था बुमला की लड़ाई में, जहां पे ये लोग सिर्फ 20 थे और उनकी पूरी एक रेजिमेंट इनके सामने थी। उस रोज सिखों की छोटी सी सेना ने अपनी पूरी जान लगा दी दुश्मन को उलझाए रखने में, लेकिन आखिर में चीन की सेना भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ गई। बुरी तरह से घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह को युद्ध बंदी बनाया गया और चीन में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सूबेदार जोगिंदर सिंह को 1962 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। और जब चीन को पता चला कि उन्हें यह सम्मान दिया गया है, तो उन्होंने पूरी इज्जत के साथ उनके अस्थि कलश को हिंदुस्तान को सौंपा। इसके साथ ही उनके नाम का स्मारक आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग की शान है। साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने एक जहाज को भी उनका नाम दिया है। हमारे यहाँ में कहा जाता है कि आप ये मत बताइए कैसे करना है, आप सिर्फ ये बता दीजिए क्या करना है, एंड दे विल सरप्राइज यू विद देयर इंजेन्यूटी। 1999 पाकिस्तान ने गहरी चाल चली। आतंकियों की आड़ में LOC पर घुसपैठ और कब्जे की कोशिश। कश्मीर के कारगिल में धीरे धीरे घुसकर उसने अपने बंकर बना लिए। कारगिल के युद्ध में सबसे पहली बात थी कि दुश्मन के पास सरप्राइज था कि उन्होंने पहाड़ियों पर कुछ हमारी जो चौकियां हमने सर्दियों में विकेट की थी उन पर कब्जा कर लिया था और काफी हमारे इलाके में अंदर आ गए थे और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बैठे थे। और इस तरह 1999 में शुरू हुआ ऑपरेशन विजय, जिसके लिए सिख रेजिमेंट की कुछ खास बटालियंस को बुलाया गया। कारगिल एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी तक पहुंचने के रास्ते में कई महत्वपूर्ण पहाड़ियां थी जो कि उस वक्त दुश्मन के कब्जे में थी। रेजिमेंट के सिख सैनिक इन सभी मिशन में शामिल थे और इन्होंने हर एक पड़ाव पर जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन पर हमला आखिरी सांस तक किया। जब हमने अटैक करके कैप्चर कर लिया तो दुश्मन ने हमारे ऊपर 3 बार काउंटर अटैक किया। दूसरी काउंटर अटैक के बाद में कर्नल सिंह मेरे पास में आए, उन्होंने बोला, कहते हैं कि साहब हमारा एमिशन खत्म हो गया है। तो मैं एक पार्टी को लेकर के जहां पर से जिस रास्ते से वो आते हैं हमारे पर काउंटर अटैक करने के लिए, वहां पर जा करके उन्हीं के जो डेड बॉडीज हैं उन्हीं के साथ में हार्ड लेकर के डिप्लॉय हो जाता हूं। और जैसा हम लोगों ने सोचा था, उन्होंने अपना तीसरा काउंटर अटैक किया। इस तीसरे काउंटर अटैक में उनका कैप्टन करनाल शेर खान, जिसे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने निशाने हैदर से डेकोरेट किया था। निशाने हैदर हमारे परमवीर चक्र, जिस तरह हमारा परमवीर चक्र हाईएस्ट गारंटी अवार्ड है, वैसे ही उनका निशाने हैदर हाईएस्ट गारंटी अवार्ड है। और जैसे ही उसने सूबेदार करनाल सिंह वाली पार्टी को क्रॉस किया, सूबेदार करनाल ने मेरे को रेडियो सेट पर बताया कि साहब वो हमारे पास से क्रॉस हो गए हैं और हुण वो मेरी टारगेट चुने, हुण मैं इनानू नहीं छड़ना है। सो मैंने बोला ओके ठीक है, वेट, उसको थोड़ा सा और आगे आने दो। जब वो थोड़ा और आगे आए, उसके बाद में उन्होंने हमारे पर फायर किया, हम लोगों ने आगे से उसके ऊपर फायर किया और पीछे से करनाल सिंह की बहादुर टोली ने फायर किया और उनको समझ नहीं आया कि फायर कहां से आया और उनको भारी कैजुअलिटी हुई। कारगिल में टारगेट्स पर कब्जा सिख रेजिमेंट की बहादुरी, सहनशीलता और जुनून के बिना नहीं किया जा सकता था। जब काउंटर अटैक हो गया, उसके बाद में हमारे पास में एम्युनिशन कम हो गया, तो उस टाइम पर हमारे को समझ नहीं आ रहा था कि अभी हम दुश्मन से किस प्रकार से लड़ेंगे। उस टाइम पर हमारे एक और JCO थे सूबेदार निर्मल सिंह, बहुत ही बहादुर JCO, उनको भी शहादत मिली थी, उनको बाद में वीर चक्र से नवाजा गया था। वो आए, कहते साहब घबराने की कोई लोड नहीं है, अभी हम सिर्फ सिख रेजिमेंट का जकारा बोलेंगे एंड तुसी देखो जकारे के आवाज से ही दुश्मन कितना डर जाएगा कि दोबारा काउंटर अटैक के लिए नहीं आएगा। और हम लोगों ने वही करा, जोर जोर से हमारा सिख रेजिमेंट का जकारा
बोले सोनिया सत श्री अकाल, पूरी मस्को वैली के अंदर गूंज गया। उस आवाज में इतना दम था, जबकि काफी सारे सोल्जर्स डरे हुए थे, उनको गोली लगी हुई थी, इंजर्ड थे, लेकिन उस जकारे से इतना जोश हमारे बंदों में आ गया और दुश्मन का जोश मुराल बिल्कुल लो हो गया कि लगता है ये तो अभी भी बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि हमने उस टाइम पर एक अटैक कर दिया था और 3 काउंटर अटैक को हम लोग रिपल्स कर चुके थे। उसके बावजूद इस जकारे में इतना जोश था कि उस जोश के जकारे के बाद में दुश्मन ने हमारे ऊपर काउंटर अटैक नहीं करा। और इस मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिख रेजिमेंट को टाइगर हिल बैटल ऑनर और थिएटर ऑनर कारगिल से सम्मानित किया गया। और ऐसे कई बैटल ऑनर्स को आज संभाल कर रखा गया है रामगढ़ में। सिखों की सेना का रेजिमेंट सेंटर है रामगढ़, जो कि झारखंड की राजधानी रांची से 35 किलोमीटर दूर है और नए रिक्रूट से लेकर रिटायर्ड अफसर का दूसरा घर। सेंटर के 4-5 मेन काम है, जिसमें सबसे मेजर काम है कि रिक्रूट जो आता है सिर्फ फौज में उसको और सिख रेजिमेंट में उसको ट्रेन करना हमारी यूनिटों के लिए। दूसरा काम है जो हमारे लड़के हैं उनकी जितनी भी कागजी कार्रवाई होती है वो यहाँ पे होती है रिकॉर्ड्स में, और जो हमारे पेंशन चले जाते हैं उनके बारे में और उनकी देख रेख के बारे में, उनके पैसों के बारे में, उनकी हर कार्रवाई हम यहाँ से करते हैं। और आखिरी काम है हमारे जो स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, हम उनकी यहाँ पे सिख रेजिमेंट वाले स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग करते हैं। साथ ही रेजिमेंट सेंटर में मौजूद है सिखों की सेना के इतिहास का साक्षी इनका म्यूजियम, जहां मेडल्स ट्रॉफीज वॉर हीरोज की कहानियों के साथ साथ इनकी विरासत की झलक दिखती है। आजादी से पहले और आजादी के बाद जितनी भी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जितने भी सिख बहादुरों ने वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं और जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन ने अपना परचम मैदान में लहराया है, उन सभी के बारे में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी सिख म्यूजियम में से हमारे हासिल हो सकती है। महाराजा रणजीत सिंह जी जिन्होंने सिख आर्मी की नींव रखी थी, उनका जो वॉर ड्रम आप देखेंगे वो एक ओरिजिनल वॉर ड्रम है, वो हमारे म्यूजियम के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको दर्शाया गया है। और आज सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे सम्मानित रेजिमेंट है। आज इस रेजिमेंट के नाम आजादी से पहले 196 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, 10 विक्टोरिया क्रॉस और आजादी के बाद 2 परमवीर चक्र, 3 अशोका चक्र, 14 महावीर चक्र, 12 कीर्ति चक्र, 68 वीर चक्र और 47 शौर्य चक्र है। इसके अलावा 2900 से ज्यादा अतिरिक्त सैन्य सम्मान, 9 बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स। खालसा पंथ में विश्वास रखने वाले सिख सैनिकों के धर्म की परिभाषा आज है हिंदुस्तान। खालसा वो हैं जो कि अपने साथ ये 5 जरूरी चीजें हमेशा लेकर चलते हैं, केश, कड़ा, कंघा, कशेरा और कृपाण। और आज भी यही छवि सिख रेजिमेंट के पहनावे में दिखती है। सिखों की पगड़ी उनके अस्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा है और यही वजह है कि इतने सालों में कभी भी पगड़ी की जगह हेलमेट ने नहीं ली। उनको बताया गया जे रहत होगी कड़ा, कंघा, कसहरा, केस और पगड़ी पहनेंगे। उसी प्रकार से सिखों की एक अलग पहचान होगी पगड़ी। जो पगड़ी है वो सिख की एक जान है, आन बान और शान। सिख पगड़ी नहीं उतारेगा लेकिन अपनी जान कुर्बान कर सकता है। भारत की
नमक और निशान के लिए लड़ने वाली सिख रेजिमेंट का चिन्ह है खालसा सैनिकों द्वारा युद्ध में पगड़ी पर लगाई जाने वाला चक्र, और इस चक्र के अंदर एक शेर जो कि सिख लड़ाकों की बहादुरी की पहचान है, साथ ही देश का सूचक अशोक स्तंभ। पहले जमाने की लड़ाइयां तलवारों से लड़ी जाती थी, और जब बाकी सैनिक तलवार की लड़ाई में आते थे तो आपने देखा होगा वो एक किस्म का टोपा पहनते थे ताकि उससे उनका सर का बचाव हो सके। लेकिन हमारे जो सिख सोल्जर्स हैं वो पगड़ी पहनते थे। नौ पगड़ी पे अगर तलवार लग जाए तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने अगर पुरानी पिक्चर्स पे ध्यान दिया होगा तो एक वो मेटल का चक्र टाइप का सर पे पहनते थे, दैट वॉज प्राइमरीली टू गार्ड देम अगेंस्ट स्ट्राइक ऑफ अ सोर्ड। तो तलवार से बचाने के लिए उस चक्री का इस्तेमाल करते थे। उसी चक्री को हमने अपनी इंसिग्निया में लिया है। Now there is a very interesting thing in our insignia. The lion is inside that ring. इसका मतलब है जो एनर्जी उनकी है वो चैनलाइज करके हमने रखी है। और सिखों के धर्म शास्त्र से ही निकलता है रेजिमेंट का युद्ध घोष, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। कि अगर आपने यू हैव बिलीव इन गॉड, अगर आप भगवान में भरोसा करते हैं और सच के साथ हैं तो जीत आपकी पक्की। सिख रेजिमेंट का एक सैनिक 1.25 लाख के बराबर माना जाता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ऐसी मिट्टी के बने हैं जिसकी रग रग में बहादुरी है, बल्कि इसलिए भी कि इनकी ट्रेनिंग उस बहादुरी और उस जज्बे को ऐसा हथियार बनाती है जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता। मुझे इस बात का बड़ा खुशी है कि जिन जवानों ने मेरे साथ में ट्रेनिंग किया था, जिन जवानों ने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया था, ऑपरेशंस किया था, वो मेरे साथ थे। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि जब भी उन्हें लगता कि कंपनी कमांडर को कुछ खतरा है तो ये जो बहादुर जवान थे ये बिल्कुल इंश्योर करते थे कि कोई भी खतरा मेरे पास ना आए। और एक दो जवान ऐसे थे जो कि बोलते कि साहब आप आगे मत चलो, हम आपके आगे चलेंगे, और वो एक्चुअल में मेरे आगे चले हैं टू इंश्योर कि जो है कंपनी कमांडर को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, कंपनी कमांडर को कोई कैजुअलिटी ना हो। सिख रेजिमेंट की ट्रेनिंग योजना युद्ध के अनुभवों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, और तैयार किया जाता है ऐसा सैनिक जो किसी भी मौसम, जमीन, परिवेश और चुनौतियों का सामना कर सके। जवान जो भी यहाँ पर आता है हम उसको क्या करते हैं, लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। शुरू में जो एक सिविलियन आता है वो फिट नहीं होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसकी ट्रेनिंग चलवाते हैं और उसको क्या करते हैं मेंटली और शारीरिक तौर पर फिट करते हैं। उनकी क्लास चलती है यहाँ पर, अलग अलग पीरियड आते हैं उनके बेसिक में भी एडवांस में भी, तो उनका 40 मिनट का एक पीरियड होता है और उसको क्या है इधर यूएसी की ट्रेनिंग दी जाती है अनआर्म्ड कॉम्बैट, कि उनको कैसे बिना हथियार के लड़ाई करनी है और किस तरह से अगर आप हमारे पास हथियार नहीं हो तो किस तरह हमने बिना हथियार के दुश्मन के साथ लड़ाई करनी है। सिख रेजिमेंट सेंटर में जो हम रिक्रूट्स को कॉम्बैट शूटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं उसका मुद्दा एक ही है कि इन्फेंट्री की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो है फायर एंड बूम। उसके दौरान जवान को सिखाया जाता है कि किस प्रकार उनका एक साथी उनको कवर फेर देता है और दूसरा हरकत करता है ताकि पूरा ट्रॉप कभी इकट्ठा हरकत ना करे। अगर पूरा ट्रॉप इकट्ठा हरकत करता है तो दुश्मन उनके ऊपर एम लेकर आसानी से फेर करके उनको नुकसान पहुंचा सकता है।
टफ से टफ ट्रेनिंग दी जाती है पीटी ग्राउंड में। अच्छा एम बनाना, अपना टारगेट को सुधारना, कैसे फायर करना है, अपने एक गोली एक दुश्मन का टारगेट एम है हमारा, तो होल्डिंग एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन, ये सब समझाया जाता है ट्रेनिंग में, वेपन ट्रेनिंग में ये दिया जाता है। और इसी आग में झुलस कर ये फौलाद तैयार होते हैं जो कि मैदान जंग में उतरते हैं किसी भी कीमत पर अपनी जीत हासिल करने के लिए। निश्चय कर अपनी जीत करो, रेजिमेंट का मोटो है, यानी दृढ़ निश्चय के साथ जीत हासिल करूंगा। ये इनकी ट्रेनिंग की बदौलत ही है कि सिखों की फौज ने 1965 और 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ हुई लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी जब भी इन लड़ाइयों का जिक्र होता है सिख रेजिमेंट के योगदान को याद जरूर किया जाता है। बैटल ऑफ ओपी हिल, बैटल ऑफ राजा रानी, बैटल ऑफ बुर्की, 1971 बैटल ऑफ पूंछ, बैटल ऑफ सिरमनी और बैटल ऑफ पर्वतली, 1948 से 1999 कारगिल के युद्ध तक, और फिर आज भारत के बॉर्डर पर सिख रेजिमेंट ने अपने होने का एहसास हमेशा ही दिलाया है। सिखों ने भारत की वफादारी में बहुत खून बहाया है, लेकिन इस खून के कतरे कतरे की आज बात होती है। लड़ो तो सिखों जैसे, मारो तो सिखों जैसे। ২০১৫ में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित वॉर मेमोरियल के लिए भारत की ओर से गया खास तोहफा। ये तोहफा था एक सिख सैनिक की प्रतिमा जो कि सभी सिख बटालियंस के पास है। ये मान सिंह नाम के सैनिक की है जो कि पहले विश्व युद्ध के दौरान फर्स्ट सिख रेजिमेंट के साथ ऑस्ट्रेलियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ थे और अपने दमखम से इन्होंने सबको प्रभावित किया। छह फिट चार इंच का लंबा कद, बिल्कुल गठीला शरीर, और इन्हीं सब कारणों की वजह से मान सिंह को उस समय का एक आइडियल सोल्जर माना गया था। मान सिंह था ये एक बहुत तगड़ा सोल्जर गिना जाता था, और उस जमाने में जो ग्रेनेड होते हैं तो ग्रेनेड हाथ से जब फेंकते हैं तो ये मान सिंह की एक खास खासियत ये होती थी कि वो ग्रेनेड जो था नॉर्मल था, जो H-36 ग्रेनेड उस वक्त होता था, तो वो छत मतलब कि 35 गज तक आप उसको फेंक सकते ज़्यादा से ज़्यादा, पर ये उससे भी 10-15 गज दूर फेंकता था उसी के लिए। तो जो आप प्रतिमा देखेंगे उसमें जूते उल्टे पहने हुए हैं, ग्रेनेड की जगह कंडेंस्ड मिल्क का पैक हाथ में है, सैचल का एक ही बेल्ट लगा हुआ है और शायद राइफल का एक बोल्ट भी अनलॉक्ड है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लड़ाई के वक्त में अगर आपने कुछ हासिल करना है तो उसको हासिल करने के लिए जब शायद आपका वो वक्त होता है जब आप आराम कर रहे होते हैं या जब आप चैन से होते हैं तब आप प्रैक्टिस करें। व्हाट वी कॉल इट इज मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। So, ये प्रतिमा उस भाव को चरितार्थ करती है। सिख रेजिमेंट के जवान यूं तो कई खेलों में माहिर हैं, लेकिन हॉकी का खेल उनका सबसे पसंदीदा है। सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक को आज भी याद किया जाता है जो ओलंपिक्स में भारत की उस हॉकी टीम का हिस्सा थे जिसने 1956 और 1964 में गोल्ड और 1960 में सिल्वर मेडल जीता था। सिख रेजिमेंट का या सिख रिलीजन का एक हॉकी स्पोर्ट से बहुत ही गहरा नाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक वीर चक्र जो हमारे ओलंपियन भी रह चुके हैं, उन्होंने भी सिख रेजिमेंट का परचम लहराया था। इसके अलावा कई और एथलेटिक स्पोर्ट्स हैं जिसमें जवानों ने अपना कमाल दिखाया है। रेजिमेंट के नाम कई खेल पुरस्कार हैं। हॉकी के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल हरिपाल कौशिक वीर चक्र, और बॉक्सिंग के लिए पद्मश्री सुबेदार कौर सिंह विशिष्ट सेवा मेडल को अर्जुन पुरस्कार दिए गए।
बॉक्सिंग में रेजिमेंट का नाम रोशन करने वालों की फेहरिस्त में शामिल हैं हवलदार मोलक सिंह बीएसएम, हवलदार बख्शीश सिंह बीएसएम, सुबेदार गुरचरण सिंह जिन्होंने 1996 और 2000 में भारत की ओर से ओलंपिक्स में भाग लिया, और साथ ही सुबेदार मनप्रीत सिंह जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा एथलेटिक्स इवेंट्स में नाम लिया जाता है हवलदार मान सिंह का, रोइंग में अर्जुन अवॉर्डी सुबेदार स्वर्ण सिंह का, एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल पाने वाले सुबेदार रंजीत सिंह का, हवलदार गुरिंदर सिंह का, शॉटपुट में हवलदार सुखविंदर सिंह और जैवलिन थ्रो में हवलदार दविंदर सिंह का। फौज में एक युद्ध में लड़ने के लिए हमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है, तो सेम हम युद्ध में ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हम अपने अपने को ओपोनेंट को एक युद्ध की तरह लेके चलते हैं कि हमने इसको जीतना है। स्पोर्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है टीम स्पोर्ट्स और एक होता है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। जो फौज में हम जिस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो है टीम स्पोर्ट्स, क्योंकि बतौर टीम हमें फौज में लड़ाई के लिए तैयारी करनी होती है। सिख रेजिमेंट की जिंदादिली के भी बड़े चर्चे हैं। जितना वो मैदानी जंग में ऊंची आवाज में युद्ध घोष की दहाड़ लगाते हैं, तो वहीं फुर्सत के पलों में ये जुबान मीठी हो जाती है। ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य, सम्मान, निस्वार्थ सेवा, हिम्मत और इज्जत, ये वो मूल सिद्धांत हैं जिनकी नींव पर हमारी सेना खड़ी है, और हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि सिख रेजिमेंट ने इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी बनाकर एक मिसाल कायम की है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू ना शड़े खेत। एक सिख सैनिक अपने सैन्य धर्म का पालन हमेशा करेगा, फिर चाहे जंग में उसका जो भी हश्र हो, वो ना मैदान छोड़ेगा ना ही अपने जीत के निश्चय को।